कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोपहर 1 बजे हमारी दोस्तों क्लास होती है अनएकेडमी पर, स्पेशल क्लास। और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं जो आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आप लोगों को एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में मिलेगी। आप लोग मेरी प्रोफाइल को दोस्तों फॉलो कर लीजिए, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों 11 जनवरी से सभी आप लोग के टॉप टीचर्स के टॉप बैच स्टार्ट हुए हैं। मेरा भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है दोस्तों साइंस का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, है ना, एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो ये आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोगों को पूरे 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कॉन्टेंट मिलता है, 20,000 से ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों, यहाँ पर 70 से ज्यादा टीचर है। तो यहाँ पर सभी बेस्ट एजुकेटर्स का कोर्स आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो 24 महीने का दोस्तों ये 7800 रुपए है। रेफरल कोड पूछेगा नीरज 11, जैसे आप लोग कोड लगा दोगे आ जाएगा नीरज 11 कोड अप्लाइड। तो ये आपका 7020 रुपए का पड़ जाएगा 2 साल का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 53। 1 सेकेंड का आप लोग समय देंगे मुझे। चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं कुछ आप लोगों के देख लेता हूं कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोग बोलना चाह रहे हो, फिर हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सर मैं आपका 3 क्लासेस फॉलो करता हूं। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। सर कल एनालिसिस करवा दीजिए। कल का एनालिसिस मैंने करवा दिया था रात्रि 11:30 बजे, यानी 1 फरवरी को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए दोनों सेशंस के मैंने आप लोगों को एनालिसिस करा दिया था, ठीक है। सर संडे वाली क्लास, हाँ संडे वाला रह गया था, उसको करते हैं ना। सर आपका हाथ कैसा? आप ठीक है? मेरा हाथ ठीक है ना। स्टार्ट करें। 31 वाला एनालिसिस बोल रहा हूँ ना, देखो उसका उसका अगर मैं एनालिसिस नहीं हो पाया ना, उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा आप लोगों को, है ना, उसकी पीडीएफ डाल दूं विद सॉल्यूशन। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे पीडीएफ डाल दूंगा, नीरज सर वाइफ स्टडी ग्रुप है, तो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डाल दूंगा आपको, है ना, तो आप वो देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए जाएंगे, और हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। और जब पूरे आप लोगों के 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों को आपकी रैंक शेयर कर दूंगा कि आप लोगों ने इन 35 क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोगों को क्या रैंक मिली है। समझ गया दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरा थर्ड डे है। ओके डन सर, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। साइंस का सवाल, अरे दोस्तों चाहे आप लोगों के एनटीपीसी मान लो किसी शिफ्ट में हो सकता है साइंस के क्वेश्चन कम आ जाए, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी तो ग्रुप डी है, जिसमें 25 नंबर की साइंस आएगी, और केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, समझ रहो। तो आप लोगों के दोस्तों अभी तो बहुत सारे एग्जाम देना बाकी है, CBT 2 एग्जाम देना बाकी है, तो आप लोग की प्रिपरेशन को कमजोर ना होने दे आप लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आज में 66 करके आया एनटीपीसी में, बहुत अच्छी बात है ना। आप लोग अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप करना ना भूले, जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। चलिए एक बार टेस्ट स्टार्ट करते हैं, बाकी की चर्चा बाद में करेंगे, है ना। मैं आप लोगों को रूल्स बताता हूँ, चैट्स रहेगी बिल्कुल बंद, आपके सामने क्वेश्चंस आएगा, आप लोग को उसका जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो आपके बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और दोस्तों आपको बताया, अगर आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगी तो आपकी जो हड्डियां होगी वो स्ट्रांग रहेगी, बोन्स होगी जो आप लोग की स्ट्रांग बनेगी। इसलिए दोस्तों बोला जाता है कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आप लोगों की बॉडी में क्या होती है दोस्तों, जो बोन्स होती है हड्डियां होती है कमजोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन बढ़ाता है आप लोग की बॉडी में दोस्तों? विटामिन डी बनाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर कोई अपशिष्ट पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं, कहने का मतलब है जो पीने का पानी है वो आप लोगों का दूषित है, तो इससे कौन सी डिजीज आप लोगों को हो सकती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों टाइफॉइड। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो टाइफॉइड होता है ये एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों? सोल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये आप लोगों का रोग होता है। अगर बात करें ये बैक्टीरिया आपके कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये दूषित पानी में, दूषित जल में ये आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अगर आप लोग दूषित पानी, दूषित जल का सेवन करेंगे तो आप लोगों को ये डिजीज होने के पूरे चांसेस है। एक आप लोग का दोस्तों कॉलेरा जो होता है ना, हैजा, कॉलेरा जो रोग होता है ना, हैजा रोग, वो भी आप लोगों के दोस्तों दूषित पानी से आप लोगों का होता है, दूषित भोजन से आप लोगों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों आप लोगों को बोला जा रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है नाइट्रोजन है वो एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए, लेकिन एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उनको प्लांट सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड में बदलना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन किस में बदल गया? अमोनिया में बदल गया। अब दोस्तों ये काम जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एलिमेंट्स, यानी ऐसे तत्व जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ये काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हो जाएगा राइजोबियम, आप लोगों का एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो भी क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये कहां पर पाया जाता है? दाल के पौधे में पाया जाता है। दोस्तों और भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। दोस्तों सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या रहती है दोस्तों? दो प्रजातियों का ऐसा संबंध जिसमें किसी एक प्रजाति को क्या मिले, लाभ मिले। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं दोस्तों, जो आप लोगों का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, भैंस होती है, भैंस के ऊपर आके कोई पक्षी बैठ गया तो उसमें उस पक्षी को फायदा मिल रहा है ना, उसको एक सपोर्ट मिल रहा है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हो जाएगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाएगा। सिमिलरली अगर बैक्टीरिया किसी, दोस्तों मैं आप लोगों से बोलूं, किसी पौधे में रहता है तो उसको क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है, तो इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो दोस्तों आपके कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये किस में पाए जाते हैं दोस्तों? मटर के पौधों में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। दोस्तों एक बार वेट कर, तो आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कौन स्तनधारी नहीं है, मैमल नहीं है। डॉल्फिन की बात करें तो ये भी आप लोग का मैमल है, टाइगर भी मैमल है, ह्यूमन भी मैमल है। मैमल का मतलब क्या है दोस्तों? जो दुग्ध का श्रवण कर सकते हैं। क्रोकोडाइल की बात करें तो ये मैमल नहीं है, ये आप लोगों का आता है रेप्टाइल के अंदर, सरीसृप के अंदर। सरीसृप क्या होते हैं? ऐसे जो जो रेंग रेंग के चलते हैं, छिपकली हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, तो ये दोस्तों आपके मैमल्स नहीं होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया, जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने अपने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रस्ताव दिया? तो पहली बात है कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, है ना, यानी क्रमानुगत का सिद्धांत दिया था। और ये जो सिद्धांत इन्होंने अपनी कौन से पुस्तक में दिया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी में इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का दिया था।
अब बात आती है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होती है। तो दोस्तों इस थ्योरी में इन्होंने कहा है कि जैसे मान लीजिए कोई विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे पहले एक ही जैसे थे। आप लोगों को पता है ना जो पौधे होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में ये सभी पौधे दोस्तों एक ही प्रकार के थे। लेकिन दोस्तों उनकी कंडीशंस अलग अलग थी। जैसे मान लीजिए कोई दोस्तों गर्मी वाले जगह पर रहते हैं, कोई ऐसी जगह पर थे जहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं थी, तो दोस्तों ये उसी के अनुरूप बनते गए। जैसे आप लोगों से बात करें जो मानव है वो पहले क्या थे, मानव के पूर्वज बंदर थे, लेकिन दोस्तों वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रहे, जो कहीं पर वो ज्यादा डेवलप हो गए कहीं पर वो नहीं डेवलप हो पाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया गया था, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से बोला जा रहा है लाफिंग गैस यूज्ड एज एनेस्थीसिया बाय डॉक्टर, मतलब दोस्तों ऐसी कौन सी लाफिंग गैस है। आप लोग सभी जानते हो दोस्तों लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और इसका जो इस्तेमाल होता है एनेस्थीसिया के रूप में भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब समझते हैं दोस्तों ये आप लोगों का एनेस्थीसिया होता क्या है। तो बेसिकली ये क्या होती है, एक प्रकार का ड्रग होता है, एक प्रकार की मेडिसिन होती है। किसके लिए होती है, इट मेक यू अनेबल टू फील पेन, मतलब इससे आप लोगों को दोस्तों दर्द का एहसास नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोस्तों अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या गलत है। देखिए पहले हम लोग समझते हैं अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे हीलियम के नाभिक का मतलब क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग सभी जानते हो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दो होता है ना परमाणु क्रमांक, और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों चार। दोस्तों दो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, प्रोटोन की संख्या कितनी है, दो है, और ये ऊपर वाली संख्या किसकी होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या चार हो गई, इसमें से दोस्तों दो तो प्रोटॉन हो गए, तो न्यूट्रॉन भी कितने हुए, न्यूट्रॉन भी आपके दो है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, यानी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, अल्फा पार्टिकल का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या ये हीलियम के नाभिक है क्या, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों क्या इनके पास में हाई आयनाइजेशन पावर होती है क्या, बिल्कुल सही बात है। आयनाइजेशन पावर का मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या किसी को चार्ज कर सकते हैं क्या, आवेशित कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है। क्या इनकी पेनेट्रिंग पावर बहुत ज्यादा होती है क्या, नहीं दोस्तों, सबसे कम पेनेट्रिंग पावर ही किसकी होती है, अल्फा की होती है, अल्फा से ज्यादा बीटा की होती है, बीटा से ज्यादा गामा की होती है। अगर बात करें अल्फा तो दोस्तों ये पेपर को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इनकी पेनेट्रिंग पावर बहुत कम होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। दोस्तों ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है आप लोगों की, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। या फिर दोस्तों अगर किसी में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, या दोस्तों किसी में दोस्तों हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, तो ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या कहलाती है, उस तत्व के ऑक्सीडेशन होने का प्रमाण देती है। तो दोस्तों आप लोग को बोला जा रहा है इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये तो आपका रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीडेशन में तो हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो ये आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऑक्सीडेशन की। बाकी क्या ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या यह एक आप लोग की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का एक मैं बोल सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक है क्या, बिल्कुल है। अगर हम लोग बात करें इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आप लोगों की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, सोडा वाटर जो है इसका इन्वेंशन किसने करा है। तो सोडा वाटर क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग की एसिडिटी को दूर करने में इस्तेमाल होता है। इसका सोडा वाटर होता क्या है, अगर आप लोग H2O यानी जल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप लोग मिक्स करोगे तो ये ही आप लोगों का क्या कहलाएगा दोस्तों, सोडा वाटर। और अगर आप लोगों से पूछे कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करने पर कौन सा एसिड बनता है, तो आपका H2CO3 बनता है यानी कार्बोनिक अम्ल मिलता है ना। तो अगर हम लोग बात करें कार्बोनिक अम्ल जो मिलता है यही आपका होता है सोडा वाटर। तो अगर आप लोगों से पूछे इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी दोस्तों जोसेफ प्रेस्टली ने इसकी खोज करी थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए जल्दी से आंसर। तो बोला जा रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान समान होता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत जने आंसर इसका 45% दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अरे दोस्तों जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, वो तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे सेम हो सकता है, ये तो आपका ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन। दोस्तों जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान और आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। ठीक है, कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। लेकिन अगर फिर भी मैं पूछूं लगभग बोला है, इसमें चिन्ना सा ज्यादा किसका होता है, न्यूट्रॉन का चिन्ना सा ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे है ना। वैसे आप लोग के लगभग ये पॉइंट टू के बाद में दोस्तों अंतर आता है आप लोग का, ध्यान रखेंगे। तो न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटोन का द्रव्यमान समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों को पता है दोस्तों डायमंड क्यों चमकता है, क्योंकि जो डायमंड होता है इसमें जब आप लोगों का प्रकाश एंटर करता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, फिर जाएगा फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का कारण क्या है दोस्तों, इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, इसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कम होता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है दोस्तों, कम होता है। और क्रिटिकल एंगल कम क्यों होता है, ध्यान से समझो दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 1/sin c। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, जो म्यू होता है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, और यहां पर जो सी होता है वो होता है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिसका क्रिटिकल एंगल कम होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका क्रिटिकल एंगल कम क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कम होगा, क्रांतिक कोण कम होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दोस्तों आप लोग का जो प्रकाश होगा उसी में अंतर घूमता रहेगा, जिसकी वजह से आप लोग को हीरा चमकता हुआ नजर आएगा। अगर आप लोगों से पूछे हीरे का होता कितना है, चलो अपवर्तनांक ये तो बता दिए, ज्यादा होता है, कितना होता है, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि दोस्तों जो बटर पेपर है वो डैश ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण है। जैसे आपको पता है दोस्तों ट्रांसपेरेंट, आप लोग जानते हो ट्रांसपेरेंट क्या होता है दोस्तों, जिससे आर पार आप लोग देख सके हो, जैसे आप लोग का कांच हो गया। लेकिन बटर पेपर क्या ट्रांसपेरेंट होता है क्या, आप लोग क्या एक जगह से दूसरी तरफ उसके देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो दोस्तों। ये आपका होता है ट्रांजुलेंट, ये क्या होता है आप लोग का ट्रांजुलेंट होता है।
अब बात आती है कि ट्रांजुलेंट होता क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो तो दोस्तों, जो आपका ट्रांजुलेंट होता है वो होता है अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब जो अपने अंदर से प्रकाश को पार तो होने दे लेकिन दोस्तों ट्रांसपेरेंट नहीं हो, पारदर्शी नहीं हो। पारदर्शी का मतलब क्या है, इसमें आप लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं देख सकते लेकिन इसमें से हाँ लाइट इसमें से एंटर कर सकती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजुलेंट। और जो आपका बटर पेपर होता है वो ट्रांजुलेंट का ही एक एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत जने को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा होगा, बिल्कुल सही भी है, लेकिन आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए को तो अपने अंदर समायोजित कर ही लिया, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। पहले आप लोग समझेंगे दोस्तों, जब भी आप लोग का साउंड प्रोड्यूस होता है किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से होता है, किसी कंपन करती हुई बॉडी से होता है। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एक प्लेट है, इस प्लेट पे जैसे आप लोग चम्मच से मारोगे तो कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, क्या क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग की वाइब्रेट करती है। जैसे मान लो दोस्तों कोई बैल है, जैसे आप लोग बैल बजाओगे तो साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, तो आप लोग देखोगे ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। हम लोग बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, वाक् तंतु, और इन्हीं वाक् तंतु में आपके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर साउंड आपका ज्यादा प्रोड्यूस होगा कम प्रोड्यूस होगा किस पर डिपेंड करेगा, कि जो आपने वाइब्रेट करा है वो किस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करा है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है, तो दोस्तों मान लीजिए इसको एक जगह से दूसरी जगह पर आने पर ऐसे है ना, मान लीजिए ज्यादा समय लग रहा है, तो इसका मतलब मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, कम है। अगर तुरंत आता जा रहा है यानी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, तो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है दोस्तों किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत नहीं है लेकिन दोस्तों मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि महासागरों की गहराई की गणना करने के लिए जहाजों में जो शिप होते हैं ना उनमें एक विशेष टेक्निक यूज करी जाती है, क्या होती है। दोस्तों जो ये आपके शिप होते हैं ना, इसके नीचे क्या लगा होता है, सोनार लगा होता है। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड ड्रेंजिंग इसका पूरा नाम है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनसे क्या होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकलते हैं। अब जैसे मान लीजिए बिल्कुल ये इसका बेस है, तो दोस्तों ये टकरा के वापिस आ जाएगा, तो इससे हमको पता पड़ जाता है कि कितनी देर में टकरा के वापस आया। जैसे मान लीजिए बहुत जल्दी टकरा के आ गया, इसका मतलब ये जो नीचे है वो बहुत कम गहराई है, समझ रहे हो। तो ये किस चीज से पता लगाया जाता है, सोनार टेक्निक से पता लगाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों जो स्टार्स होते हैं इसके कलर अलग अलग होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, वो उनके टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों को टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो उस तारे का रंग कैसा होगा, ब्लू व्हाइट होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा 3000 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका रंग कैसा होगा, रेड होगा। तो ये कलर को बताता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग जानते हो दोस्तों साउंड क्या होती है, एक प्रकार की वेव होती है। जो वेव्स होती है तरंग, वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है दोस्तों मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगे, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैकेनिकल वेव भी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है दोस्तों आप लोगों का लॉन्गिट्यूडनल यानी दोस्तों जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य, और एक आपका होता है दोस्तों ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बोले तो अनुप्रस्थ, समझ गए बात को। तो जो आपकी साउंड होती है वो मैकेनिकल होती है, और मैकेनिकल में भी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो दोस्तों जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत को चेक करने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी आप लोगों के कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, इसके जितने भी यूजेज है उसके लिए एक ट्रिक है। क्या है? हेलो दोस्तों, सुबह शाम, ट्राई करो। ठीक है, तो एच से हो जाएगा गाड़ी की हेडलाइट, डी से हो जाएगा दोस्तों डेंटिस्ट, एस से हो जाएगा शेविंग मिरर, एस से हो जाएगा सोलर कुकर हो गए, सोलर ओवंस हो गए, टी से हो जाएगा टॉर्च। तो इन सभी में दोस्तों कॉनकेव मिरर का यूज होता है। तो डेंटिस्ट में भी आप लोग कौन सा होता है? कॉनकेव ही होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो किस लेवल के ऊपर की ध्वनि को आप लोग एक हजार्डस नॉइज पॉल्यूशन मानते हो? तो दोस्तों 80 डेसिबल, 85 डेसिबल के ऊपर का जो साउंड होता है ये आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, काफी खतरनाक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं उसमें ध्वनि का स्तर क्या रहता है? उसमें ध्वनि का स्तर 30 डेसिबल रहता है ना। जैसे नॉर्मल कोई बात कर रहे हो और भाई कैसा है क्या है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी लाउडनेस, उसकी प्रबलता कितनी होती है? 30 डेसिबल तक की होती है। अब देखो उससे चार गुना अगर आप लोग ज्यादा साउंड सुनोगे तो वो आप लोगों का दोस्तों ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्ट द मोस्ट। कैसे? इधर आओ, देखो आप लोग देखोगे ये आप लोगों का प्रिज्म हो गया है ना, ये आप लोग का दोस्तों प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म में कौन सी लाइट एंटर कर रही है? व्हाइट लाइट एंटर कर रही है। आप लोग सभी जानते हो व्हाइट कलर वाली जो लाइट होती है वो सात घटकों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, रेड। अब आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी प्रिज्म में ये व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो अपने घटकों में टूट जाएगी। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे यहां पर एक चीज और हो रही है। जैसे आप लोग देखेंगे लाइट को एंटर कैसे करना चाहिए था, लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसी हो गई ना, रेड वाली ऐसे हो रही है, वॉयलेट वाली ऐसे हो रही है। तो दोस्तों जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोस्तों क्या ये बेंड हो रही है क्या? और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी तो बोलते हैं। तो कौन ज्यादा मुड़ी? दोस्तों वॉयलेट वाली सबसे ज्यादा मुड़ी, सबसे ज्यादा वॉयलेट वाली मुड़ी। और वॉयलेट जो होती है इसकी वेवलेंथ, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जबकि रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किसका हुआ? अपवर्तन इस वॉयलेट वाले का हुआ। और वॉयलेट कलर जो होती है उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण यानी वॉयलेट के बारे में पूछा है दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, ये सबसे ज्यादा अपवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताएंगे। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का ये। तो देखिए आप लोगों को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई है, इसको आप लोगों को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग मीटर पर सेकंड में बदल देते हो तो किससे गुना करते हो? 5/18 से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कितना था? 72 था। तो 72 को आप लोग किससे गुना करेंगे? 5/18 से करेंगे तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो 72 कट गया 18 से, 4 बार में 5 × 4 20 हो गया। तो 20 मीटर पर सेकंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल कितने आवश्यक है? देखिए दोस्तों, जो आपका प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है? एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। और जब प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो अम्ल में हो जाता है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है दोस्तों? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, या फिर आप लोग बोल सकते हो 20 अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक अमीनो एसिड ये रहा, दूसरा अमीनो एसिड ये रहा, तीसरा अमीनो एसिड ये रहा, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि अमीनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? दो अमीनो अम्ल आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं? तो इस बंध का नाम होता है दोस्तों पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। ये बंध कौन सा होता है? पेप्टाइड बंध आप लोगों का होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब 20 अमीनो अम्ल होंगे आप लोगों के, तो इनके बीच में दोस्तों बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे क्या? बिल्कुल होंगे ना। तो इस प्रोटीन को, यानी दोस्तों जो बहुत सारे ये अमीनो अम्ल के मिक्सचर को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे पॉलीपेप्टाइड, यानी आप लोगों से पूछे प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, प्रोटीन का दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। किसके दूध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्त्री के दूध में। आप लोग जानते हो लैक्टोज क्या होती है दोस्तों? यह एक प्रकार की शुगर होती है, एक प्रकार की शर्करा होती है, जो कि कहां पर पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज यानी डिफरेंट डिफरेंट जातियों के अगर हम लोग दूध ले, जैसे ह्यूमन का ले, काऊ का ले, शिप का ले, भेड़ का ले, गोट बकरी का ले, बफेलो यानी दोस्तों भैंस का ले, तो अगर 1 लीटर अगर हम लोग दूध लेते हैं तो दोस्तों आपको पता है दूध में फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, जैसा कि मैंने बताया लैक्टोज भी होता है, तो प्रति लीटर कितने ग्राम लैक्टोज होते हैं आइए देखते हैं। तो ह्यूमन के दूध में, मिल्क में 1 लीटर में दोस्तों 70 ग्राम लैक्टोज पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें गाय के दूध में, तो गाय के दूध के 1 लीटर में दोस्तों 47 से 50 ग्राम ही क्या होता है? लैक्टोज होता है। तो यहाँ पर इतने सारे आप लोग डाटा देख पा रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा देख पा रहे हो 70 किसमें है? आपके ह्यूमन में है। तो यानी स्त्रियों के दूध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? यानी आपको अदिश राशि के बारे में बताना है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताना है। अदिश राशि क्या होती है? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये पेन 1 किलो का है, तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि 1 किलो वहां पर है, 1 किलो यहाँ पर है, 1 किलो यहाँ पर? आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो आपका मास क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों जो बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी का टीका, वो जो नवजात शिशु होता है उसको कब दिया जाता है? तो पहली तो बात ये आती है, बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी के लिए दिया जाता है? दोस्तों ये टीबी के लिए दिया जाता है। और ये कब देना होता है? जन्म से 48 घंटे के भीतर भीतर, है ना, विदिन 48 आवर्स आप लोगों को ये टीका देना होता है। तो बीसीजी की फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको जगह बैसिली कैलमेटे ग्यूरेनिन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये क्या है दोस्तों? एक वैक्सीन है। कौन सी बीमारी के लिए? टीबी बीमारी के लिए। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों आप लोगों को बोला जा रहा है कि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं हो सकते, मतलब एक समान नहीं हो सकते। ये चीज किसने बताई? पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, यानी पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी इसको हम लोग बोल सकते हो।
अब देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, रटो मत, चीजें समझो आप लोग। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, एक बार कमेंट सेक्शन खोल देता हूं, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, प्यार से आप लोग समझिएगा, ठीक है? ठीक है, आप कोई भी प्लीज कमेंट ना करिएगा, बात को सुनिए। जैसे दोस्तों आप में से मैंने किसी एक स्टूडेंट को लिया, कुलदीप जी को लिया, और इधर मैं हूं, क्या दोस्तों कुलदीप जी की और मेरी दोनों की कंट्री सेम हो सकती है क्या? बताओ, नो, कंट्री सेम नहीं हो सकते, हम दोनों क्या इंडिया के नहीं है क्या? अरे वाह यार, क्या एग्जांपल दो आपने, तो पहले ही पूरा बंटा धार कर दिया। मैं सोचा भी थोड़ा अंदर लेकर आऊंगा, समुद्र की गहराई में लेकर आऊंगा, तब जाके इनको फंसाऊंगा, आप तो पानी देख के डर गए। कंट्री सेम नहीं हो सकती सर। अरे वो कंट्री पिज्जा की बात नहीं कर रहा, हाँ सर दोनों आप एक पिज्जा शेयर नहीं कर सकते, आप जयपुर में रहते हो, उसकी पिज्जा की बात नहीं कर रहा, कंट्री देश की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या हम दो व्यक्तियों के देश समान हो सकते हैं दोस्तों? दोनों के राज्य समान हो सकते हैं क्या? क्या दोनों की सिटी सेम हो सकती है क्या? क्या दोनों की कॉलोनी सेम हो सकती है क्या? किन्हीं दो व्यक्तियों की कॉलोनी सेम हो सकती है क्या? किन्हीं दो व्यक्तियों का घर सेम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, जैसे मेरे और मेरे फादर का घर एक ही तो है। क्या किन्हीं दो व्यक्तियों का कमरा एक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बोल रहा हूं, उस कमरे के अंदर एक चेयर है, क्या किसी टाइम पर दो व्यक्ति उस एक चेयर पर बैठ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता सर। तो सिमिलरली दोस्तों हमारे पास में अलग अलग क्वांटम नंबर होती है। तो दोस्तों कोई क्वांटम नंबर उसकी कोश के बारे में बताता कि वो इलेक्ट्रॉन पहले कोश में है, दूसरे कोश में है। कोई क्वांटम नंबर दोस्तों उसके उपकोश के बारे में बताता है। लेकिन अगर चारों क्वांटम संख्या समान हो गई, इसका मतलब दोस्तों उन दोनों इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एक ही हो जाएगी, ठीक है? तो ये आप लोगों को मैंने बिल्कुल सरल भाषा में बताया दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये बोलता है कि दोस्तों किन्हीं दो व्यक्तियों के आप लोगों के एड्रेस सेम हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन सेम नहीं हो सकती। तो आपके जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन बताता है। तो इतना ध्यान रखें, चारों दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्या का मतलब है राज्य भी समान नहीं हो सकता, कॉलोनी भी, घर भी, और वो चेयर भी, ठीक है? समझ गए? समझ गए क्या? अरे हुंड रूल को छोड़ो, भी हुंड रूल में मत फंसो, पहले पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आप लोगों को समझना है, ठीक है? चलो आगे। हाँ भैया बताओ, इंग्लिश में दो क्वांटम नंबर लिखा है दोस्तों, फोर आएगा इधर ना, फोर आएगा, ठीक है? ओके चलो आ जाओ। तो आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, दोस्तों एक डिजीज होती है वाइल्ड डिजीज, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऑर्गन होता है जो अफेक्ट होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस पे आप लोगों की किडनी पे भी प्रभाव पड़ता है, आपके लीवर पे भी प्रभाव पड़ता है, इसमें दोस्तों आप लोगों को ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ दी अबाव इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी क्या है वाइल्ड डिजीज, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों जो वाइल्ड डिजीज है, ये आप लोगों के बैक्टीरिया से होने वाला रोग है दोस्तों, जीवाणु से होने वाला रोग है, और इसको हम लोग लेप्टोस्पिरोसिस नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि दोस्तों ये जो डिजीज होती है कैसे आप लोग के होती है? तो जनरली जो ये बीमारी होती है वो आप लोगों के एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और ये बैक्टीरिया जो जनरली होता है वो आपके एनिमल्स में होता है, आपके जंतुओं में होता है, स्पेशली रैट में, चूहों में, कैटल्स में, समझ रहे हो? अब होता क्या है, अगर ये कहीं पर मान लीजिए यूरिन का फॉर्मेशन कर देता है, कहीं पर मूत्र निकाल देता है, तो इस मूत्र के माध्यम से बैक्टीरिया आपके बाहर आ जाता है और आप लोग इजीली इससे इन्फेक्ट हो सकते हो। तो अगर किसी व्यक्ति को ये रोग होता है वाइल रोग, तो उसमें किस किस बॉडी के किस किस अंग पे प्रभाव पड़ता है? तो किडनी पे पड़ता है दोस्तों, लीवर पे पड़ता है, आपके लीवर पे दोस्तों सूजन आ जाती है, आपकी जो स्किन होती है वो कैसी पड़ जाती है, येलो पड़ जाती है, आप लोग की जो आईज होती है वो सफेद पड़ जाती है बिल्कुल ही, ठीक है? तो ये आप लोग के बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे।
आप लोगों से पूछा जा रहा है एंथोफोबिया, डैश का डर है। दोस्तों आप लोग जानते हो फोबिया क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज से डरना। जैसे मान लीजिए किसी को ऊंचाई से होता है डर, है ना, किसी को पानी से डर होता है, किसी को अगर हम लोग बात करें कुत्तों से डर लगता है, किसी को पानी से लगता है तो उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों एंथोफोबिया क्या होता है, किसी को फूल से डर लगता है ना, फ्लावर से। अब आप लोग बोलेंगे सर किसी को फूल से भी डर लग सकता है क्या? अब है भाई, ऐसे ऐसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया होता है। जैसे आप लोग को नहीं लगता पानी से, नहीं लगता, लेकिन किसी किसी को लगता है पानी से, ठीक है। तो फ्लावर से जो फूल का किसी को डर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथोफोबिया। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। भैया जो ये गलत कर रहे हो ना, वो सोच लो सिलेक्शन से बाहर हो आप, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, सर नहीं आता तो नहीं आता, इसलिए तो सीखने आया हूँ। अरे भैया दो क्वेश्चन पहले ही बताया, प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है। फिर भी भैया 10% बच्चे इसको गलत कर रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं क्या करूं, बताओ। मैं अभी 4-5 पहले क्वेश्चन ही मैंने बताया है कि भैया प्रोटीन आपका 20 अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है, उसके बावजूद ये हाल है आपका। अब कुछ जने बोल रहे हैं सर गलती से टच हो गया। अरे ये टच अगर गलती से, ये टच को अपने संभाल के रखो, कहीं भी टच के चक्कर में जेल भग जाओगे आप। ये तो ये टच टच क्या होता है सर, गलती से हो गया, गलती से हो गया, समझ के लगाया करो। ए होगा, बी होगा, सी होगा, आपको जब प्रॉपर टाइम मिल रहा है तो क्या चक्कर है आपका। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया है ना, इस बार के एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ग्रंथि क्या होते हैं, ऐसे अंगों को हम लोग ग्रंथि बोलते हैं जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है। जैसे आपका लीवर हो गया, लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, पित्तरस निकलता है, तो क्या ये ग्रंथि हुई क्या? बिल्कुल। और दोस्तों लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर इसके वजन की बात करें तो 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें दोस्तों, दूसरे नंबर पे होती है आप लोगों की पैनक्रियास यानी अग्नाशय। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? दोस्तों इंसुलिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। कहां से निकलता है दोस्तों, ये पैनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। और अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो आप लोगों को दोस्तों डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह रोग आप लोगों को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों नेमाटोड क्या होता है, आप लोग के एक प्रकार के जीव होते हैं, तो इनसे कौन से रोग आप लोगों के होते हैं? दोस्तों इनसे आप लोगों को होता है फाइलेरिया डिजीज, है ना, ये आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, इस प्रकार के आपके नेमाटोड होते हैं, इनसे आप लोगों को फाइलेरिया रोग होता है, जिसमें आप लोगों क्या होता है दोस्तों, पैर आप लोग के कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आपने टीवी पर सुना होगा 24 कैरेट, 22 कैरेट। तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है वो होता है आप लोग के 24 कैरेट का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 24 कैरेट का मतलब होता है इसमें दोस्तों पूरे 24 भाग क्या है, सोना है। अगर आप लोगों से 22 कैरेट है कोई आप लोग का सोना, ये 22 कैरेट, इसका मतलब होता है दोस्तों इसमें 22 भाग क्या होता है, सोना होता है। बाकी के जो 2 भाग होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, तांबा होता है। जैसे मान लीजिए अगर 20 कैरेट सोना है, इसका मतलब दोस्तों इसमें 20 भाग क्या है, सोना है, और बाकी के जो 4 भाग है वो क्या है दोस्तों, तांबा है, कॉपर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम आपको बताना है लाइमस्टोन का। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कैल्शियम कार्बोनेट। पर अगर आप लोगों से इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो CaCO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। तो कौन सा दोस्तों ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का अच्छा सुचालक का मतलब क्या है दोस्तों, अपने में से हीट को इजीली ट्रांसफर कर देता है वो। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, वो काफी अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और मरकरी क्या है दोस्तों, एक मेटल ही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। किस धातु में भाप गुजारने पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं होती? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। देखिए दोस्तों, समझते हैं, कुछ आप लोगों के मेटल्स होते हैं, जैसे आप लोगों का एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। दोस्तों ना ही ये कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, ना ही ये गर्म पानी से ना ही ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन हाँ, ये स्टीम से अभिक्रिया करते हैं दोस्तों, भाप से अभिक्रिया करते हैं। और भाप से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये दोस्तों पानी की किसी भी अवस्था से क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते, ना ही ठंडे से, ना ही गर्म से, ना ही भाप से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कॉपर। जबकि जो एल्यूमिनियम होता है, ठंडे और गर्म पानी से तो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन दोस्तों भाप से यानी दोस्तों स्टीम से अभिक्रिया कर लेता है, जबकि कॉपर आपका अभिक्रिया नहीं करता। और बात करें दोस्तों कार्बन की, तो ये तो आप लोगों का दोस्तों धातु होता ही नहीं है, कार्बन तो आप लोगों का नॉन मेटल होता है, अधातु होता है। चलो दोस्तों रैंक बता दूं आप लोगों की, क्या रैंक आई है बताओ जल्दी से, रैंक बता दूं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों की रैंक आ रही है। इन 35 क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोगों की क्या रैंक आई है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया रैंक, 1535, 555, 3661। तो फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों, आप लोग की रैंक अगर पीछे भी आ रही है तो घबराना नहीं है, चीजें इंप्रूव करनी है। ठीक है, चले सर, आई एम ए प्लस स्टूडेंट। ठीक है, बस फिर से बताइए, आपने दो तीन बार कमेंट कर चुके हो लेकिन आपका कमेंट नीचे चला जाता है, वापस बताइए जो बोल रहे थे, आई एम प्लस स्टूडेंट। देखिए कमेंट बहुत फास्ट आ रहे हैं यहाँ पर, आई एम प्लस स्टूडेंट सर, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रुको। तो अगर आप प्लस स्टूडेंट है तो वहां पर मुझे कमेंट करना, वहां पर इतना कमेंट नहीं आते जिससे मैं आराम से आपसे पढ़ लूँ, यहाँ पर मैं कमेंट आपको पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, मेरी सुबह 11 बजे क्लास होती है, प्लस क्लास बायोलॉजी की, तो वहां पर आके आप इजीली कर सकते हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम है बता सकते हो। सर मैंने आपके यूट्यूब लिया और अभी तक क्या मुझे 11 क्लास नीड है, कैसा प्लीज बताइए। जी भारती जी, वहां पर आप लोगों को काफी भी एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, तो वो आप लोग प्लस क्लास आप लोग देखिए बिल्कुल, है ना, उसको कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, बताओ क्या बढ़ाए लेवल, क्वेश्चन का लेवल बताओ कितना करे। HC वर्मा सॉल्व करवा दो फिजिक्स की, तो आप लोगों को दोस्तों वही लेवल रखा जा रहा है जो आप लोगों के दोस्तों जनरल साइंस का पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग उससे मतलब कि आपको इतनी इजी लग रहा है क्योंकि आप लोग 3-4 महीने से मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप लोग क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सॉल्व कर चुके हो, तो वो आप लोगों को इजी लगेगा ही, समझ रहे हो। सर माइनस मार्किंग रखो क्वेश्चन में दोस्तों, यहां पर वो ऑप्शन नहीं है तो मैं जरूर रखता, है ना, अगर वो ऑप्शन होता तो मैं जरूर रखता, जिससे जो आप लोग अलटप्पे में देते हो ना, वो यहीं पर ही आपके क्या हो जाते हैं, उनके नंबर कट जाते, तो समझ में आ जाती बात। फेज 4 कब से होगा, फेज 3 के दोस्तों 2 दिन बाद हो जाएगा आपका वो भी।
50-50 क्वेश्चन करिए सर, नहीं 35 काफी है सर। एमपी पुलिस सर, प्लीज एनालिसिस इंग्लिश में भी कराया करो। जीके का दोस्तों वो मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ, वो इंग्लिश में भी होता है, लेकिन वो नीचे जो दो चार लाइनें लिखी होती है एक्स्ट्रा, वो सिर्फ मैं हिंदी में लिख के देता हूँ, उसका कोई रोल नहीं है। मैं आपको ऐसे बोल के बता देता हूँ, वो है ना सर जी। एनालिसिस होगा रात में, बिल्कुल होगा, रात्रि 11:30 बजे। पीडीएफ आपको इस क्लास के नीचे मिल जाएगी दोस्तों, क्लास के नीचे, जब क्लास खत्म होगी ना उसके नीचे मिल जाएगी थोड़ी देर बाद में। और कोई सर? 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके लाइव, जीके लाइए, करते हैं दोस्तों कुछ, करते टेंशन मत लो आप। सर मेरा कभी 15 से सही नहीं होता है, क्या करूं? तो सोनम जी इसका मतलब है आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मतलब आप लोग नई चीजें सीख रहे हो। ये देखो ना, हर चीज के प्लस पॉइंट देखा करो आप। सर ग्रुप डी की क्लास दोस्तों सुबह 9:30 बजे स्टार्ट तो कर दी मैंने वाईफाई स्टडी पर, सुबह 9:30 बजे आप लोगों की क्लास होती है वाईफाई स्टडी चैनल पर, तो उसको मिस ना करें। और दोस्तों आप लोग अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, यहाँ पर आप लोगों को 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कॉन्टेंट अवेलेबल है। और दोस्तों सभी एग्जाम, चाहे CGL हो, CHSL हो, SSC JEE हो, मेरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है साइंस का, वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करें दोस्तों, 2 साल का 7800, रेफरल कोड लगाएंगे नीरज11, तो ये आपका 7,020 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है? सर एमपी की साइंस कब पढ़ाओगे? दोस्तों ये साइंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है, जनरल साइंस आती है आपके सभी में। जनरल साइंस का मतलब आई होप आप समझते होंगे 10वीं तक की साइंस, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को साइंस में एक भी नंबर नहीं कटे अभी एनटीपीसी में, वो ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आपको होता है 25 नंबर की साइंस है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों रात्रि 11:30 बजे एनालिसिस में, सुबह 9:30 बजे वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, और 1 बजे अनअकैडमी पर, ठीक है? सर एनटीपीसी की करंट कैसे कहा से? सर न्यूमेरिकल अलग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेंशन मत लो, जब तक थ्योरी वाला पार्ट तो पढ़ो आप। सर ये साइंस CBT 2 के लिए भी है कि सब एग्जाम्स के लिए, CBT 1 CBT 2 सबके लिए? सर मेरा रैंक नहीं दिखता है, आप लोग अनअकैडमी ऐप अपडेट कर लीजिए। मैथ्स सर कहाँ से पढ़े? सर बेसिक से मैथ्स वाईफाई स्टडी चैनल से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? चलिए दोस्तों मिलते हैं रात को अपने एनालिसिस में। सर आप बोल पढ़ाते हो एनटीपीसी का एडमिट कार्ड नहीं आया तो आ जाएगा, टेंशन मत लो आपका, है ना? हो सकता है आपके नेक्स्ट फेज में आप लोगों का पेपर हो। ओके चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।